अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें आज आपको दुनिया में ही जन्नत की सैर करवाते हैं। चलें चलें मेरे संग चलें मुजफ्फराबाद से। मैं आपको लेके जा रही हूँ एक हसीन तरीन वादी की तरफ। तो यह मुजफ्फराबाद से इस हसीन वादी का डिस्टेंस 90 मिनट का है और तकरीबन ज़ेरे समुंदर 9500 अबव है। और अब हम टॉप की तरफ रवा दवाएँ और दरियाई नीलम काफ़ी नीचे रह गया और हम टॉप की तरफ जाते जा रही हैं। रोड ज़बरदस्त हैं, व्यू खूबसूरत है, खुली रोड है, खुशगवार मौसम है और बादल हमारे साथ साथ हैं। हम बादलों को टच करते हुए जा रहे हैं और काफ़ी लोग ना बाइक्स पे भी और लोकल गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे भी चले जाते हैं और काफ़ी आम रूटीन में भी यहाँ पे ना रश होता है। और अल्लाह की शान है किस कदर खूबसूरत मंजर है। ब्यूटी ऑफ कश्मीर कैन नॉट बी कंपेयर बाय द होल वर्ल्ड। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत हमने इंजॉय किया था, क्या बताऊँ मैं आपको। और अब हम पीर चिनासी की तरफ जा रहे हैं और इनके बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बताती चलूँ। पीर सैयद शाह पीर चिनासी जिनके नाम से फेमस है, ये वहाँ पे चिल्ला काटने के लिए गए थे। आज से तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पुरानी बात है और इसी जगह पे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद सुना कि कुछ लोग माल मवेशी लेके जैसे गांव में जाते हैं जहाँ पे ग्रीनरी वगैरह होती है, वो लोग गए और उनके माल मवेशी गुम हो गए, लोग ढूंढते रहे नहीं मिले उन्हें। फिर वो जो कबीला था उनके सरदार थे गुलाम अली शाह, उनको इशारा हुआ तो वो उस जगह पे गए। फिर उन्होंने वहीं पे रिहाइश इख्तियार कर ली और यहाँ पे एक उन्होंने चबूतरा बना लिया, चार दीवारी कर ली। तो पीर चिनासी इसी दरबार ना, ये जो दरबार है वो भी इनका ना मेन पॉइंट है, बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग खूब इंजॉय हम कर रहे थे और मैं गुनगुना रही थी। खैर मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तो नहीं है। ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां, आगे हम कहाँ ऐ मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। और सब लगे हुए ओ बाथरूम सिंगर, चलो 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 बस। खैर दिल तो दिल है ना, दिल तो बच्चा है। खैर अब हम पहुंचने ही वाले हैं और रास्ते में यहाँ पे लोगों की रिहाइश कम ही है, ज़्यादातर चाय वगैरह के ढाबे वगैरह हैं और जो जिनकी चाय बहुत अच्छी है। और हम यहाँ पे स्टे हमने किया, हमने चाय पी और ख़ूब इंजॉय किया। अब हम तकरीबन पीर चिनासी के पास पास हैं, टॉप पे हम पहुँचने वाले हैं। लीजिए बिल्कुल हम ना उसके पास पहुँच के, और बहुत अच्छा वेदर था और अब हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं। पीर चिनासी की बादलों में घिरी हुई जगह और यहाँ पे आके मुझे तो स्पेशली ऐसा फील होता है कि जैसे सारी दुनिया फतह कर लिया और ना बाकी पहाड़ छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। और ये है वो दरबार और इसके बारे में ना एक और बात बहुत फेमस है, वो ये है कि यहाँ पे हर जुमेरात को शेर ना हाजिरी देने के लिए आता है ना। इंटरेस्टिंग बात। खैर इतनी हसीन वादी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इस कदर खूबसूरत व्यू था। फुल कैप्चर तो नहीं मैं कर पाई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लें जी कज़न का फ़न टाइम, टिकटॉक वीडियो जारी हो गई है भाई, खूब खूब इंजॉय हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हसीन वादी है। आप जब भी मुजफ्फराबाद जाएँ और इस वादी में आप ना जाएं, पीर चिनासी ना जाएं, तो आपने कुछ भी नहीं देखा। मैं आपके साथ इसका बादलों वाला जो शूट किया था वो शेयर करूंगी और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो शेयर विद फ्रेंड, लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।